hi guys good evening i hope it's clear let, let me just check if i am audible as well as visible i was struggling from uh, past few minutes let me just see if it's working yeah it's kind of working so yeah let me just uh, <laughs> let me just call everyone because i think because of the time issues the confusion that timing had uh, i think uh, students are not sure if uh, it's happening right now so i'll just write join okay yeah it's fine so guys uh, as i was telling you uh, कभी कभी जैसे मुझे आप लोगों को जैसे मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ था कि हम लोगों को जल्दी से लिटरेचर भी कंप्लीट करना है सो दैट आप लोग इंग्लिश को लेके तो इंग्लिश को लेके तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा श्योर हो जाओगे ठीक है, है आ, मैं ये यू you नो know, कम से कम ये तो मेरा हो गया तो इसी मैंने आज सोचा कि मैं दो क्लासेज रख लेती हूँ तो शुड विजार हिट मॉमी इट वॉज़ एक्चुअली डिसाइडेड एट दिस टाइम बट सम सम्यूजन हैपन सो दैट्स वाई टाइमिंग का इशू हो गया द वे आज हमारा नया चैप्टर है विच इज शुड विजार हिट मॉमी ये जॉन अब डाइक ने लिखा हुआ है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो है सुपर रिविजन बैच एग्जाम के लिए सुपर so, रिविजन के लिए है ये ये क्लास इलेवेंथ के टीचर्स हैं और ये आपके क्लास ट्वेल्थ के टीचर्स रहेंगे जो आपको रिवाइज कराएंगे सारे सब्जेक्ट बी एड बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स इंग्लिश अकाउंटेंसी ऑल ऑफ इट सो या अन अकेडमी प्लस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू गाइज वॉन्ट एंड अन अकेडमी प्लस आपको अनॉर्मस फीचर्स ऑफर करता है ऐसे फीचर्स ऑफर करता है जो अभी लास्ट के कुछ दिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मी नो इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट बिकॉज आई वुड लव टू टेल यू मोर अबाउट इट एंड या लेट सी वॉट वी कैन डू बिकॉज आई थिंक अ लॉर्ड ऑफ यू वर्ल्ड डोंट नो कि इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है आपको कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट दी इंटायर थिंग रर्ली सून विद यू गाइज

Uh, साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि नए बैचेस एकदम स्टार एकदम चमकते हुए बैचेस आने वाले हैं थर्टी एथ ऑफ नवंबर से शानदार बैचेस आने वाले हैं मतलब पढ़ के मजा आ जाएगा पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है टेस्ट उसमें होने वाला है मतलब क्या क्या नहीं होगा आप लोगों को अच्छा स्कोर कराने के लिए टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की अन अकेडमी के ऊपर और साथ ही साथ आज आखिरी दिन है क्रिएटिव कॉर्नर का ट्वेंटी सेकेंड ऑफ नवंबर हो गया है अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आज ही ले लो क्योंकि इसके साथ आपको ये ब्यूटी एकदम मुफ्त में मिलेगी अगर तो इसके बाद में लिया तो इसके लिए पे करना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी दिस इज समथिंग दैट यू डोंट वॉन्ट मिस लिटरली सो यू कैन जस्ट गो एट एंड डू दैट सो uh, या so yeah, जैसे ही आप पेमेंट सेक्शन में जाएंगे आपको इस तरीके से दो स्लॉट मिलेंगे अगर आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं देन आपके पास में कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा जिसके अंदर सारे जो भी uh, पेमेंट डिटेल्स हैं वो आएंगे अगर आप उस पेमेंट डिटेल वाले नीचे देखिए नीचे एक कॉलम है जो कि एक ब्लैंक कॉलम है गिफ्ट का छोटा सा साइन वहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे आपको कोड uh, डालना है और कोड आप डाल सकते हैं एस डी सी लाइव या फिर एस डी सी एटीन इससे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा एंड टेन परसेंट डिस्काउंट तो एकदम बिगिनिंग है हैप्पीनेस की क्योंकि इसके बाद में जिस लेवल पे आप पढ़ाई करेंगे दैट इज अनमैचेबल लिटरली आपको कहीं पे वैसा लेवल देखने को नहीं मिलेगा एंड या विद दैट बींग सेड आपको तो पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में भी एक बार देख लेते हैं तो फटाफट से चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बता देती हूँ आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये रिचुअल एकदम मिलता जुलता है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एकदम ऐसा ही है जैसे कि हम लोगों के साथ भी हुआ है हम लोग आ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में पेरेंट्स के साथ में यूजअली यू नो जब छोटे थे तो वो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे और तभी हम लोग सोते थे हमारे नैप्स के टाइम पर वही वही चीज़ होती थी तो बेसिकली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है आ, ये स्टोरी है एक फादर और डॉटर के बीच की एंड ट्रस्ट मी द बेस्ट बॉन्ड एवर लाइक द फादर एंड डॉटर एंड सन एंड मदर तो डेफिनेटली uh, यहाँ पे वो बॉन्ड आपको फील uh, होगा क्योंकि uh, ये दोनों क्या है इन दोनों का एक इतना अच्छा बॉन्ड है कि जो इनके फादर हैं वो उनको डेली कहानियाँ सुनाते हैं और जो डॉटर है वो आराम से सुन के सो जाती है अभी थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़े चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे देखते हैं कि इस चैप्टर में मेजरली uh, क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा और ये पूरा चैप्टर शुड विजार्ट इट मॉमी टाइटल को जस्टिफाई करता है so before you read here is a story about a worldwide view of little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father because छोटे बच्चे इतने intelligent हो गए हैं इतने ज़्यादा intelligent हो गए they are like um, you know हर चीज़ पे क्वेश्चन पूछते हैं ये क्यों होता है ये कैसे होता है ये क्यों हुआ और क्रॉसचेक भी बहुत ज़्यादा करते हैं you know Uh, ऐसे जा, जा के पूछते हैं अच्छा पापा ने कुछ बोला तो मम्मी से पूछेंगे मम्मी वो ऐसे बोले थे ऐसा होता है क्या तो so, वो बड़ा क्रॉस चेकिंग और ये सारी चीज़ें भी करते हैं तो so, वही फेज में हमारे यहाँ पे जो uh, जो छोटू सी डाटर है वो भी है तो या बेसिकली दैट्स देयर तो अभी फटाफट से इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं और फिर हम ऑथर के बारे में बात करेंगे सो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जैक हु इज़ द फादर ऑफ टू किड्स जोअन दैट इज़ जो एंड बॉबी

इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी बिकॉज यू हैव एम सी क्यूज एंड एम सी क्यूज कैन कम फ्राम एनी वे एंड ट्रस्ट मी एम सी क्यू के ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि ऑड वन आउट है कि आपको चार आपको तीन फ्रूट्स दे दिए और एक वेजिटेबल दे दिए एंड यूल बी लाइक ओ ये दिस इज द वेजिटेबल दिस इज द करेक्ट आंसर ऐसा नहीं होगा ऑल राइट तो इसीलिए एन सी आर टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई एंड अन अकेडमी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव ऑफ ब्रिंगिंग द एन सी आर टी पोर्शन विद यू गाइज लाइक फॉर यू गाइज तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू जोर एवरीथिंग वेरी केयरफुली बिकॉज एवरीथिंग कैन हैव अ क्वेश्चन ऑन इट ओके एंड जो भी आंसर्स होंगे वो आंसर्स आपको सारे एकदम सही लगेंगे कि ठीक है ये एकदम सही है बट आंसर वही करेक्ट होगा जो कि एन सी आर टी से मैच होता है तो अनटिल और अनलेस आपने एन सी आर टी का एक थोड़ो रीडिंग दिया है देर देर आर नो चांसेस फिफ्टी परसेंट पेपर एम सी क्यू है एंड ट्रस्ट मी इफ दैट फिफ्टी परसेंट इज गॉन नो बडी कैन सेव यू सो so, यहाँ पे ये जो है आ, ये ये चीज़ मैंने इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है लाइक जो एवरी इवनिंग एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून नैप्स ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको कि कब वो जो को स्टोरी सुनाते थे अब जो बच्चे हमारे समरी पढ़ के गए हैं उनको ये पता नहीं अरे कब सुनाते थे तो ये याद रखना है उनको एवरी इवनिंग और सैटरडे को आफ्टरनून नैप्स के लिए स्टोरी सुनाया जाता था ठीक है This time, when he was telling uh, her a story, she interrupts him and asks him questions whenever she feels that things that are being told are not right. So, Jack now finds himself a fix and doesn't know how to resolve Joe's questions. Parents feel that children should not. Um,

अगर वो समराइज़ करने के लिए आएंगे, यू कैन यूज़ दिस पैराग्राफ अगर वो रिचुअल के लिए आएंगे, यू कैन यूज़ दिस पैराग्राफ दिस इज़ अ गुड सम अप ऑफ द इंटायर चैप्टर कि पूरे इसमें एक मॉरल क्वेश्चन रेज होता है और वो मॉरल क्वेश्चन ये है कि क्या ये एटीट्यूड पेरेंट्स uh, का कि वो जो भी कहेंगे अपने बच्चों को और बच्चे वो करेंगे सही है तो ये मॉरल क्वेश्चन पे पूरा स्टोरी रिवॉल्व होता है एंड वी वी आर लेफ्ट अस रीडर्स हम लोग uh, हम लोगों को ऑथर ने छोड़ दिया है कि भाई तुम डिसाइड करो कि ये सही है या गलत सो so, अभी हम लोग थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं बिकॉज यू नो मैम हैज़ दिस रिचुअल मैम हमेशा आपको हर चैप्टर के साथ ऑथर के बारे में पढ़ाती है बिकॉज सैम्पल पेपर में ऑथर दिख गए हैं और मैं आपको ऐसी तैयारी करा देना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं आए जब आपको पेपर दिखे आपको लगे यार ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है, भी आता है, भी आता है सब कुछ आता है एंड द क्वेश्चन बैंक दैट आई एम प्रिपेयरिंग आई टोल्ड यू गाइज द क्वेश्चन बैंक दैट आई एम प्रिपेयरिंग जो मैं फर्स्ट ऑफ दिसंबर से प्लस पे कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आपकी प्रेपरेशन ओरिएटेड होगा Uh, उस उसपे ये सब क्लियर मैं करने वाली हूँ तो या दैट्स देयर एंड दैट्स दैट इज वाई आई एम टेकिंग माई टाइम ताकि से आप जब भी कोई क्वेश्चन देखो योर लाइक ये तो मेरा किया हुआ है तो इसीलिए आपको रेडी करने के लिए ऑथर के बारे में जान लेते हैं ऑथर का नाम है जॉन होयर अब डायक मार्च एटीन नाइनटीन थर्टी टू से टू थाउजेंड नाइन तक का इनका जॉनी है ये अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं पोएट है शॉर्ट स्टोरी राइटर है आर्ट क्रिटिक है लिटरी क्रिटिक है थे वन ऑफ ओनली थ्री राइटर्स हु विन द पोलिटाइजर प्राइज फॉर फिक्शन मोर देन वंस ये केवल मतलब तीन जो राइटर्स हैं केवल तीन राइटर्स को ये मिला हुआ है उनमें से एक ये हैं जिनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया है अब जाई पब्लिश्ड मोर देन ट्वेंटी नॉवल्स एंड मोर देन अ डजन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एज वेल एज पोएट्री आर्ट लिटरेसी क्रिटिसिज्म चिल्ड्रंस बुक्स ज्योरिंग हिज करियर तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं लिटली दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग इफ यू सी के यू नो इफ यू कैन फाइंड आउट मोर अबाउट जॉन बिकॉज इफ़ यू लव लिटरेचर ही इज द पर्सन जिसको जिसके बाद आपको जाना चाहिए ना आई थिंक यू शुड हिट लाइक फॉर द प्रिटी विजार दैट आई हैव नो ब्रॉट इंड हियर बिकॉज दिस इज अ प्रिटी लिटिल क्यूट विजार सो जस्ट हैव अ लाइक लाइक यार प्लीज़ हिट द लाइक बिकॉज दिस इज वेरी क्यूट बड़ा ही छोटू सा फिटीशा गर्लू वन साजार यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं तो फटाफट से आगे देख लेते हैं स्टोरी के बारे में अच्छा ये हमारा समरी है, जैसे कि मैम आपको हमेशा कराती चैप्टर क्विकली so, uh, मेरे साथ समरी पढ़ लो रिविजन हो जाएगा बिल्कुल नहीं पढ़ा है, डेप्थ में मेरे साथ एनसीआर पढ़ना चाहते हो एंड तक रुकना द स्टोरी स्टार्ट विद डेली रूटीन दैट जैक बीन फॉलोइंग फॉर टू ईर्स विद हिज डॉटर जो His daughter was 2 years old when the tradition started, and today she was 4 years old. Uh, the tradition was that Jack would tell Joe a story out of his mind every day in the evening before going to bed, and also on every Saturday afternoon during her nap uh, time. No, the issue was uh, that it had been so long that he had been telling her stories that he did not have any good ideas for stories left with him.

Then Roger had, and would also give him a solution to fetch the pennies from a specific place. सो दिस बेसिक बेसिक टेल टेल क्या होगा एक क्रीचर होगा जिसका नाम रॉजर होगा और वो क्रीचर क्या करेगा उस क्रीचर को कोई ना कोई तरीके का प्रॉब्लम होगा अपनी प्रॉब्लम को लेके जाएगा वो किसके पास आउल के पास आउल उसको सजेस्ट करेगा कि प्लीज आप विजार्ड के पास जाइए विजार्ड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो जाएगा विजार्ड के पास विजार्ड पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा इन रिटर्न वो कुछ एक्सचेंज मांगेगा मतलब वो कुछ पैसे मांगेगा डेफिनेटली उतने पैसे उसके पास होंगे नहीं बट वो ये भी बहुत अच्छा विजार्ड है हमारा वो ये भी बता देगा कि पैसे लाने कहाँ से हैं तो वो पैसे लेके आएगा लाइक पैसे लाने की जगह बता देगा कि दिस इज द प्लेस जहाँ से आपको पैसे लेके आने हैं पैसे वो उसको पे करेगा विजार्ड को और उसका प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा जैसे ही उसका प्रॉब्लम सॉर्ट होगा वो घर जाएगा बहुत सारे क्रीचर्स उसके साथ खेलने आएंगे यू नो जैसे ही वो घर जाएगा उसके पापा आएंगे बॉस्टन से सब लोग मिलकर डिनर करेंगे एंड इट विल बी ऑल हैप्पी एंडिंग यू नो बहुत अच्छा एकदम अच्छा एकदम हैप्पी एंडिंग उसमें हो जाएगा सो so, इसके बाद में आफ्टर वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर पे जाएगा और बॉस्टन से डैड आ जाएंगे देन जैक वुड डिस्क्राइब व्हाट ऑल रॉजर एंड इज फैमिली हैड फॉर डिनर एंड देन एंड ऑफ द स्टोरी सो बेसिकली उसके बाद में जैक उन्हें बताते थे जो को कि क्या क्या उन्होंने खाया होगा और इसके बाद में स्टोरी एंड हो जाती थी तो मतलब हर बार एक ही एक स्टोरी बस क्रीचर चेंज होता जाता था ऑन दिस स्पेसिफिकली से पूछा कि भाई वो कौन से क्रीचर की सुनना चाहेंगे। तो जो, को जवा, जो ने जवाब दिया कि मैं स्कंक की स्टोरी सुनना चाहूंगी अब डेफिनेटली जैक एक बार को तो एकदम से हो गया, था, वो हो गया था यार छोटा सा बच्चा है ये तो बोला जरूर इसने नर्सरी में सीखा होगा तो वो बड़ा सरप्राइज हो गया था बट ही एट द सेम टाइम हैप्पी दैट शी लर्निंग समथिंग ना स्कंक कौन होते हैं स्कंक बड़े ही स्टिंकी एनिमल्स होते हैं अभी यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो एक बॉडी बो, बड़ा ही स्टिंकी एनिमल होगा और उसके साथ में कोई नहीं खेलता है तो uh, वो आउल के पास जाता है आउल उसको विजार्ट के पास भेजता है विजार्ट के पास जाके वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलता है विजार्ट पूछता है भाई ठीक है आपकी स्मेल की प्रॉब्लम है तो आपको कौन सी स्मेल चाहिए तो बोलता है मुझे ना रोज़ जैसी स्मेल चाहिए मेरे को ना रोज़ जैसा यू नो स्मेल करना है तो वो एक अच्छा सा ऐसे मैजिक वॉन्ड लेते हैं और उसके बाद में वो ऐसे आवरा कटावरम ऐसे करके और फाइनली उनको रोज जैसा स्मेल करवा देते हैं अभी यहाँ पे ये सब कुछ एकदम सॉर्ट हो गया बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता वही उसके पास पैसे की कमी होती है पैसे भी उसको मिल जाते हैं जैसे ही वो जैसे ही विजार्ड को पैसे वैसे मिल जाते हैं सब कुछ हो जाता है तो रोजा जैसे ही अपने घर की तरफ जाता है सारे फीचर्स उसके पास आ जाते हैं सब लोग तो इतना खुशी से उसको बुलाते हैं रोजा को ना ये अटेंशन बहुत अच्छा लग रहा होता है फिर जैसे ही वो घर पर जाता है उसकी मामा बोलती है कि ये ये ऑफुल स्मेल कहीं की है तो बोला मामा दिस इज़ मी योर योर यू नो योर चॉइल्ड तो बोला कि नहीं मेरा चाइल्ड ऐसा नहीं हो सकता उसकी मामा उसको बताती है कि ओरिजिनलिटी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और आपको वैसे ही स्मेल करना चाहिए जैसे भगवान जी ने आपको बनाया है आपको वैसे ही रहना चाहिए जैसे भगवान जी ने आपको बनाया है तो वो बोलती है चलो मेरे साथ में और मैं तुमको तो वैसा ही स्मेल करवाऊंगी जैसे एक छोटे बच्चे को छोटे स्कम को स्मेल करना चाहिए तो वो उनके साथ में चलता है फिर उसके बाद में वो उसको लेके जाती है विजार्ड के पास में विजार्ड का दरवाज़ा खोलती है एकदम जोर से और उसको मारती है अमरीला के साथ में और बोलता है कि इसको वापस से इसकी स्मेल दो फिर उसको वापस उसकी स्मेल मिल जाती है उसके बाद में सब लोग नेचुरली सब लोगों को समझ में आने लग जाता है सब लोग अडाप्ट कर लेते हैं इस कंग के साथ में सब लोग उसके साथ खेलने लग जाते हैं उसके पापा बॉस्टन से आते हैं और वो लोग अच्छा सा यू नो डिनर करते हैं स्टोरी ख़त्म हो जाती है बट ये जो पूरी एंडिंग होती है स्टोरी की ये जो को अच्छी नहीं लगती है। जो बोलती है कि ऐसा क्यों हुआ बेचारे इस कंक के साथ में तो कोई खेलेगा ही नहीं तो ऐसा क्यों किया उसकी ममा ने मम्मा को एक पढ़ना चाहिए था मम्मा को एक ऐसे ऐसे मारता ना वो तब उसको पता चलता मम्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो वो बार बार ये बोलती है और वो पापा को अपने पापा को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है कि वो चेंज कर दे स्टोरी की एंडिंग को बट वो इंसिस्ट कर मतलब उनकी मानते नहीं है वो ने यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि ओरिजनलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कभी कभी अपनी ओरिजिनालिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है बहुत हार्श होना पड़ता है और पेरेंट्स को इनफैक्ट बाकी लोगों को हम पे बहुत ज़्यादा हार्श होना पड़ता है क्योंकि अगर हम दूसरों के जैसे बन जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझाना जो वो समझाना चाहते हैं और या बिकॉज़ क्रिएटिविटी और आप जो आप जो हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप दूसरों के जैसे बन जाओगे तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा ना तो एक्जैक्टली exactly वही वहाँ पे पूरा डिस्कशन होता है और जो अब ऑब्वियसली चार साल की बच्ची है तो उसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है फाइनली uh, वो सोचते हैं कि छोड़ो अभी इतना कुछ है नहीं वो नीचे चले जाते हैं अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए क्योंकि उनकी वाइफ सिक्स मंथ्स प्रेग्नेंट होती है बट वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि उनको इतना ज़्यादा आर्ग्यू करना पड़ता है पॉइंटलेस चीज़ों पर कि वो अपनी वाइफ से बात नहीं करते हैं और उसके बाद में आपका जो पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है इसके बाद में एक्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं कुछ भी यहां पे लिखा हुआ नहीं है सो so बेसिकली ये आपका पूरा सॉरी या सो दैट्स द इंटायर समरी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया तो वो पूरा आपका समरी आ गया अगर आप लोगों को ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है अगर तो ये चैप्टर तो बहुत अच्छी बात है आपका एक अच्छा रिविजन हो गया होगा फाइव मिनट्स के अंदर अंदर अभी अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है साथ में तो एनसीआर टी से लाइन बाई लाइन पूरा चैप्टर स्टार्ट करते है। कर हैं कूडोज कर देते हैं हमारे विजार्ट को एकदम क्यूट्यू से विजार्ट हमने लाए हैं यहाँ पे तो फटाफट से एन सी आर की एक लाइन में आपको समझाती हुई चलती हूँ और आप आराम से इसको सुनते हुए चलिए so in the evening and for saturday naps like today's jack told his daughter joe a story out of his head this custom began when she was two was itself now nearly uh, hmm, this custom <laughs> was itself now nearly two years old and his head felt empty each new story was a slight variation of the basic tale a small Creature, usually named as Roger, could be a Roger fish, Roger squirrel, Roger chipmunk, anyone, had some uh, problem and went with it to the wise old owl. The old owl told him to go to the wizard and the wizard performed a magic spell and the spell that solved the problem demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature must have and but in the same breath directing the animals to a place where the extra pennies could be found guys it is so important for you to learn this basic tale so this is the basic tale it's not the entire story that we were reading right now this is the basic tale so now here we कि हर इवनिंग को और सैटरडे की नैप्स के लिए ना आफ्टरनून नैप्स के लिए जो को जैक जो है अपने बेटी को स्टोरी सुनाते हैं अब ये जो कस्टम था ये तब स्टार्ट हुआ था जब जो दो साल की थी और ये कस्टम को ही दो साल हो गए हैं दैट मीन्स टू प्लस टू जो चार साल की हो गई है ना जो चार साल की हो गई है अभी उनको ऐसा लगता है कि यार वो क्या स्टोरी सुनाए लाइक

आउल डेफिनेटली उसको भेजेगा विजार्ड के पास में विजार्ड एक स्पेल करेगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा जैसे ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वो उससे पैसे मांगेगा एंड डेफिनेटली उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे बट विजार्ड बहुत अच्छा विजार्ड है इसीलिए वो उसको ये भी बता देगा कि उसे ये पैसे मिलेंगे कहाँ पे अब जैसे ही वो उसको पैसे दे देगा उसकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी तो ये एक्चुअली बेसिक टेल है जो कि यू नो जो को सुनाई जाती है और बस क्रीचर चेंज कर दिया जाता है फिर उसके बाद में रॉजर बहुत सारे गेम्स खेलेगा अपने घर पे जाएगा और वहाँ से ट्रेन की विसल सुनाई देगी जिससे डैडी घर पे आएंगे बॉस्टन से और सारे लोग मिलके मस्त एकदम खाना खाएंगे तो exactly एग्जैक्टली उनका ये कस्टम रहेगा आ, इसके बाद में क्या हुआ जैक ने जैक का फेवरेट पार्ट था उनको आ, उनका सपर भी वो डिस्क्राइब कर देता था तो इससे स्टोरी थोड़ी बड़ी हो जाती थी और फिर स्टोरी खत्म हो जाती थी तो रोज का यही सिस्टम चल रहा था वर्किंग हिज वे थ्रू द स्कीम वाज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे स्कीम से चलते हुए काफी ज्यादा थकावट फटीक का मतलब होता है थकावट उन्हें काफी ज्यादा थकावट होने लग गई थी सैटरडेस को क्यों बिकॉज जो जो नेवर स्लीप इन नैप्स नैप्स एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम क्योंकि Joe अब के, uh, मतलब नैप से सोती नहीं थी और इस चीज को ध्यान में रखते हुए राइट right जो थे लाइक like, राइट right मतलब एक्टिविटी सीम फ्यूटाइल फ्यूटाइल मतलब खराब तो बोला ये पूरा एक्टिविटी ये पूरा चीज खराब हो जाता था कोई फ्रूटफुल नहीं रहता था ये बिल्कुल इसके लिए कोई फ्रूट बेयर नहीं होता था तो बोला कि वो बिल्कुल ही नहीं सोती थी द लिटिल गर्ल जो कि अभी लिटिल नहीं है अब फाइनली एडजस्टमेंट कर रही है अपने बेड में और अपने ब्लैंकेट में यू नो दैट वे हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट सिफ्टीन थ्रू द ड्रॉन शेड इट डिड नॉट सीम फंटेस्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर एंड शी वु टेक हर नैप लाइक अक एंड एनफेंट ऑफ टू हर ब्रदर बॉबी वॉज टू एंड ऑलरेडी स्लीप विद हिस बॉटल तो बोला कि अभी शी वॉज एडजस्टिंग बोला थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ और वो पूरा ऐसे ब्लैंकेट व्लैंकेट पहन लिया फिर यहाँ पे कर्टन में से थोड़ा सा सनलाइट आ रहा था तो शी वॉज जस्ट लुकिंग एट द सन लाइट अभी जाइक अरे यार कैसे सोएगी ये कैसे सोएगी अब ये दो साल की बच्ची तो है नहीं जैसे वो सोएगी जैसे उसका भाई या छोटा बॉबी जो दो साल का है वो अपनी बॉटल को लेके मस्त सो गया है तो बोला इसको कैसे सुनाऊँ मतलब काश कोई मैजिक हो जाता जिससे ये आराम से सो जाती बट ऐसा हो नहीं सकता जैक कास्ट हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टूडे बोला कि चलो आल ट्राई और जैक उनसे पूछते हैं आज की स्टोरी किस बारे में होनी चाहिए रॉजर रॉजर तो कॉन्स्टेंट है बट क्रीचर कौन सा होगा

ओके एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कांग नर्सरी स्कूल बोला रही स्कांग के बारे में इसको कैसे पता चला जरूर नर्सरी स्कूल्स में पढ़ाते होंगे Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. अब definitely ordinary animals नहीं थे अभी skunk था तो एकदम से fresh hero की vibes उन्हें आ रही थी and he realized that ठीक है अभी अभी उनका hero काफ़ी ज़्यादा fresh है and that's why वो बड़े ही enthusiastic हो गए थे he was like यार मेरे को कुछ तो creative करना है story में आज आज तो मैं कुछ different करने वाला हूँ कुछ ऐसे basic story नहीं रहने वाली है All right, he said. Once upon a time, in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Rogers skunk and he smelled very bad bola ek bar ki baat hai deep dark woods mein ghane jungal mein chhotu sa creature tha aur uska naam tha roger skunk और उसमें से बहुत smell आती थी बहुत ज्यादा गंदी smell आती थी Yes, जो सर कोई भी दूसरा क्रीचर उसके साथ खेलना नहीं चाहता था जो लुब्ड एट हिम सोलम से ऐसी हो गई नो दैड फोर सीन दिस अभी सीरियसली वो देखने लगे एज इफ लिटरली कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि कभी उसने ऐसा देखा नहीं था उसने ऐसा सोचा नहीं था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले जैकन्द जेस्ट रिमेंबरिंग सर्टन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्ड हुड कंटिन्यू करते हैं वो बोलते हैं वन एवर ही वुड गो आउट और जैसे ही वो ये बोलते हैं उन्हें खुद के चाइल्ड हुड ह्यूमिलियशन की याद आ जाती है कि एज़ अ चाइल्ड उन्होंने कितने ज़्यादा ह्यूमिलियशन फेस किए थे और कितने ज़्यादा लोग उन्हें चढ़ाते थे या हो सकता है उनका भी कोई चाइल्ड हुड ड्रामा हो लाइक मोस्ट ऑफ अस हैव है ना हम लोगों को कोई ना कोई चाइल्ड ट्रॉमा होता है हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि जो कि हमारे बिहेवियर को आगे चल के शेप करता है तो वो अपने चाइल्डहुड हु को याद करते हुए बोलते हैं ऑल ऑफ अदर चाइनी एनिमल्स वुड क्राई ओ हियर कम्स रॉजर्स एंड दे वु एंड रॉजर्स वुर ऑल एंडल राउंड तो so, सारे एनिमल्स बोलते ओ ओ दिस दिसंकी हम सब लोग ऐसे बोलते और सब लोग वहां से भाग जाते वो बेचारा अकेला वहां पे ऐसे बैठा रहता और दो दो राउंड उसके यहाँ से ऐसे रोल हो जाते ही वुड कराई बिकॉज कोई उसके साथ खेल नहीं रहा है और सब लोग उसको चिड़ा रहे थे बुली कर रहे थे द कॉर्नर ऑफ जोज माउट ड्रूप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंड फॉरवर्ड

Won't ही सी द owl? बोला क्या वो आउल से नहीं मिलेगा क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा She asked in a high and faintly roughened voice. उसने काफ़ी बड़े और faintly roughened इंड voice में पूछा daddy, won't he see the owl? वो क्या owl से नहीं मिलेगा Sitting on the bed beside her, Jack felt that the covers stuck as her legs switched tensely. She was he was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. अभी ये सारी चीज़ें देख के जैक को अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सच बता रहे थे उन्हें कुछ ऐसे चीज़ बता रहे थे जो शायद उन्हें पता होनी चाहिए और इसीलिए वो बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे ही वॉन्टेड टू टेक हिस टाइम ही वॉन्टेड टू टेल अपने बच्चे को एक ऐसी कहानी एक ऐसा आ, स्टोरी सुनाना चाहते थे जिसका एक मोरल भी हो जिसका एक मॉरल भी हो बट डाउन स्टेयर्स और चेयर्स क्रैप एंड ही रिलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क नीचे थोड़े से ऐसे फर्नीचर को शिफ्ट करने की आवाज़ आई एंड उन्हें रौ, उन्होंने रियोलाइज़ किया कि उन्हें क्लेयर को हेल्प कर देना चाहिए लिविंग रूम वुड वर्क के लिए Uh, क्योंकि वो उन्हें पेंट कर रही हैं एंड लेटर ऑन वील गेट टू नो दैट क्लियर सिक्स मंथ्स प्रेग्नेंट तो अभी वो प्रेग्नेंट है और अगर उस टाइम पे वो ऐसा करेंगी तो दे आर चांसेस यू नो हम लोगों को वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विथ यू नो पेरेंट्स हुआ प्रेगनेंट यू नो कपल सो बेसिकली वो थोड़ा सा uh, उसके लिए थोड़ा सा टेंशन में थे ही वॉज लाइक यार ही शी इज़ मूविंग द फर्नीचर एंड भगवान ध्यान रखे उसका वेल ही वर्क अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री बोला हाँ बोला हाँ वो धीरे धीरे से धीरे धीरे से चलता 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 एक बड़ी से ट्री के सामने आके रुक गया बिग ट्री वॉज एन अन और बोला उसमें ऊपर वहां पर एक बड़ा सा आउल बैठा हुआ था गुड मिस्टर आउल राजस कांगसर all the other little animals run away from me i smell so bad so do you like the owl was like yeah you do very very bad what can i do rajas khan said and he cried very hard Bula, me kya karu yaar? Agar ye smell ati, is that my fault no what should i do and he cried like anything he was like what, what will i do तो अभी यहाँ पे वो जैसे आउल के पास जाता इवन आउल वाज लाइक बहुत स्मेल आ रही है क्या भाई तो बोला मैं क्या करूँ अभी यहाँ पे बेचारा बहुत दुखी होता है बहुत अकेला होता है जो इज लाइक द तो विजार्ड द तो विजार्ड जो बहुत शाउट करने लगी बोला बोलो बोलो अरे इसको बोलो विजार्ड विजार्ड एंड सेट राइट right अप सुलाने की उसको कोशिश कर रहे थे एंड शी जम्प्ड एंड शी वाज लाइक बेड गई एंड द लिटिल गोल्डन बुक्स पिल्ड फ्रॉम द बेड अब वो जैसे जिस धक्के से ही वो बैठी एकदम फोर्स से एक गोल्डन बुक पड़ी हुई थी आके उसके हेड पे लग गई ना जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी जो यू वॉन्ट टू टेल दैडी द स्टोरी बोला जो अभी तो तुमने यहाँ पे खाई है सर पे अभी डैडी तुमको एक स्टोरी सुना रहे हैं क्या तुम डैडी को एक स्टोरी सुनाना चाहती हो नो यू मी

आर मैजिक स्पेल क्या मैजिक स्पेल सच होते हैं आई एम श्योर इफ आप लोगों ने हैरी पॉटर फर्स्ट टाइम देखा होगा और अगर आप छोटे होंगे तो आपने भी अपने पेरेंट्स सेम चीज पूछी होगी कि क्या जादू सच में होता है और आपको भी लग रहा होगा कि जादू एकदम सच होता है spiders eat अ she turned to her mother and asked, "Do they really?" And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and सिस्टर वि दस ले येट ईगट स्माइल इज ई रौली दे आर रियल इन स्टोरीज जैक आंसर्ड करटली अभी ये नया फेज था जब जैक ने उसे बोला कि स्पाइडर्स बग को खाते हैं तो वो ममा के पास जाके पूछती है टूते रौली सच में बग खाते हैं और जब ममा ने बोला भगवान जी आसमान में होते हैं और हमारे आस पास हर जगह पे होते हैं तो वो पापा किसे आके पूछती है सच में तो ये उसका रियलिटी फेस था अभी वो हर चीज़ पे क्वेश्चन कर रही थी एंड फाइनली उसने ये क्वेश्चन किया जैक को पता था कि अगर वो ये बोलेंगे कि सच नहीं होते हैं तो स्टोरी का कोई मतलब नहीं रहेगा और बोलेंगे सच होते हैं तो रियलिटी फेस के साथ डिच होगा तो इसीलिए बड़ा बड़ा ही क्लेवरली उन्होंने आंसर किया और बोला दे आर रियल इन स्टोरीज बोला हाँ स्टोरी में एकदम रियल होते हैं बोला हाँ मैजिक स्पेल जो होते हैं वो स्टोरी में एकदम रियल होता है शी मेड हिम मिस अ बीट इन द नेरेटिव और इसी वजह से वो भूल गए कि वो क्या बोल रहे थे एग्जैक्टली द रीजन वाई आई कीप कॉमेंट ऑफ बिकॉज देन हम लोग हम लोगों का नेरेटिव टूट जाता है फ्लो यू नो जिससे हम पढ़ा रहे होते हैं इन फैक्ट आपकी मैम तो आपको पता ही है कि बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए एकदम शताब्दी में पढ़ा रही होती हैं शताब्दी एक्सप्रेस की जैसे तो एकदम फ्लो टूट जाता है एंड यर लाइक क्या पढ़ा रही थी क्या बोल रहे थे एग्जैक्टली जैक के साथ हुआ वो बीच में उसने इंटरप्ट कर दिया इसकी वजह से जैक वॉज लाइक वेयर वॉज आई मैं क्या बोल रहा था क्या बोल रहा था एंड देन उसके बाद में या द आई वैट गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इन टू द स्वम्प ओवर द द्रिक वॉट्स अक अ लिटिल रिवर over the creek and there will be a wizard's house and there's that's the way Roger's skunk went and pretty soon he came to the little white house and he rapped the door rapped on the door so abigail what like because she had this uh, habit of asking a uh, lot of questions these days it was becoming really irritating and it it was becoming very irritating for Jack because every time he used to introduce something every time he you, used to uh, pick up a line uh, she was uh, she used to ask one question and he would forget कि wo unko kya bolna tha and obviously उसके पास इतना ज़्यादा time नहीं था कि वो इतना ज़्यादा time वहाँ पे invest करे because he had to go downstairs and help um, Claire also so अभी uh, जब वो बता रहे थे हाँ आउल ने ऐसे बोला कि आप जाओ डार्क डाकवुज में एप्पल ट्रीज की तरफ स्वाम की तरफ ओवर द क्रिक क्रिक के उस पार इतने में उसने बीच में फिर से रोक दिया और बोला अ क्रिक क्रिक क्या होती है फिर एकदम से जैक बोलता है एक छोटा सा रिवर होता है बोला अच्छा अच्छा फिर वो अभी उसने ज्यादा उसको भाव नहीं दिया आगे वो बढ़ गया ओवर द क्रिक हाउस बोला ओवर द क्रिक क्रिक के ये क्रिक है क्रिक के उस पार जाओगे तो विजार्ड का हाउस आएगा तो अभी ज्यादा ना भाग देते हुए उन्होंने ये चीज उसको क्लियर कर दी और बोला रॉजर्स किसी वे से गया और वो फटाफट से एक हाउस के पास में आ गया जहां हर चेयर बींगाउन टू हेल्प हिस्सा अब जैसे ही वो ये बोल रहे थे नीचे से फिर आवाज आ रही थी क्लेयर ने ज़रूर कोई फर्नीचर मूव किया होगा अब क्लेयर यहाँ पे सिक्स मंथ्स प्रेग्नेंट है आप यहाँ पे बेचारे जैक का डलेमा देखो कि वो इसको छोड़ के नहीं जा सकता है क्योंकि वो सोई नहीं है और वो नीचे काम नहीं करने देगी और वो नीचे अभी नहीं जा सकता है अगर वो नीचे नहीं, जा वो नीचे नहीं जाएगा तो उसकी जो वाइफ है वो बेचारी नीचे सारी चीज़ें मूव कर रही है तो उसको ऐसा लग रहा था ये प्रेगनेंट है कहीं कुछ हो ना जाए ऑब्वियसली एवरी फादर वुड बी कंसर्न तो वो इतना ज़्यादा इरिटेशन उसके अंदर बिल्ट हुआ ना कि टुवर्ड्स uh, दी एंड आपको देखने को मिलेगा कि वो इतना अक्यूमिनेटेड इरिटेशन एकदम लास्ट में निकला सो दैट वे ही वॉज फीलिंग वेरी इरिटेटेड ही वॉज लाइक वॉट्स हैपनिंग सो जैक कंटिन्यू द रॉजस कंग वाज सैड एंड एज ई वॉक ही केम अक्रॉस द ट्री वेयर ही सॉ द वाइस आउल सो उसने सोचा मैं फटाफट से स्टोरी बोल देता हूँ निकलता हूँ यहाँ से तो उसने कंटिन्यू किया और बोला कि ओवर द ट्री वहाँ से उसने देखा um, ये स्कंग देन शेयर हिज प्रॉब्लम विद दी वाइस आउल कुड हैव द स्कंग देन जो शॉट इट न न इसके बाद में ये समरी है ओके okay. Skills. Yeah,

तो जैक ने क्या किया विंडो स्टिल पर रैप किया क्योंकि रॉजर ने रॉजर जैसे ही विजार्ट के घर पहुंचा था वो रैप कर रहा था खटखट खटखट कर रहा था तो वैसे ही जैक ने करके दिखाया जैक ने उसको ऐसे खटखट करके -कर दिखाया जैसे आपकी मैम पढ़ाती है जब भी लिटरेचर पढ़ा रही होती है हर चीज़ मूवमेंट के थ्रू तो अभी उसको खटखट खटखट करके -कर दिखाया और जैसे ही जैसे ही उसने खटखट की आवाज़ किया वहाँ से वो छोटा बच्चा तो था ही ऑब्वियसली जो तो जो भी एकदम से ऐसे सहम गए एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट with a long white beard and a pointed blue hat. Said, Uh, was it? What you want? You smell awful. The wizard's voice was one of the Jack's own favorite effects. So, Abhi bula ke jaise ho gaya, ek chotu sa aadmi aaya, uski bodhi si daudi thi, aur ek pointed blue hat tha. Aur usne bula, accent aaya ya na? accent aaya. Uh, was it? वॉट यू वान्ट यू स्मेल ऑफ वो बुरा क्या हुआ क्या चाहिए तुम लोगों को अरे यार तुम बहुत बुरा स्मेल करते हो ये जो जैक का एक्सेंट था ये जैक का जो जो विजार्ड का वॉइस था ये जैक का फेवरेट था क्योंकि ये उसको करना है इमिटेट करने में बड़ा मज़ा आता था

एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी सारे लिटिल एनिमल्स मुझसे दूर भाग जाते हैं the enormous अनॉर्मस owl said, यू could हेल्प मी और बोला वो आउल ने बोला कि आप मेरी मदद करोगे वेल मे बी कम ऑन इन डोंट गेट टू क्लोज यू नो ना इन साइड सो अभी यहाँ पे आ बोला ठीक है कोई बात नहीं मैं हेल्प करूँगा अंदर आ जाओ। फिर तो बोला ज़्यादा मत आना क्योंकि स्मेल आ रही है तुम में से ज़्यादा मत आना

और ऊपर से वो बड़ा ओल्ड है क्या वो मर जाएगा बोला नहीं विजार्ड मरते नहीं है अच्छा तो बोला फिर आगे सुनो जो आ, फिर वो क्या करता है वो काफी रामिज करता है इसे ढूंढने की कोशिश करता है

अब उसको वो चेंज करना था वो ट्रांजिशन करना था तो वो ट्रांजिशन के लिए जैक ने वो मंत्र पढ़ना चालू किया आब्रा क डबरा हो खिपू रॉजस कंक हाउ डू यू डू रोज इज बोज इज एंड योर रोज़स कंक यू नेवर फ़ियर बिंगो। तो उसने वो मंत्र पढ़ा और वो पूरा मंत्र पढ़ के बिंगो घट वे सो उससे पूरा ऐसे मंत्र पढ़ के एंड ही एक्टेड एज ए सच में भयंकर ट्रांजिशन हुआ है जैक ने उनका पूरा इफेक्ट दिखाया था पॉज एज अड एक्सप्रेशन वाइड इन आउट ऑफ इज डॉ नॉस्ट्रल्सिंग हर आईब्रोज अप एंड अर लोअर लिप डाउन इन वाइड नॉइसलेस ग्रिन सो बोला कि वो रुक गए थे जैक एकदम से रुक गए थे क्योंकि एक अजीब सा एक्सप्रेशन uh, uh, यहाँ पे जो ने दिया था एकदम हंस रही थी अजीब तरीके से बोला कि ये एक्सप्रेशन एक्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि उसकी माँ देती है कॉकटेल पार्टीज में तो बोला कॉकटेल पार्टीज में जैसा उसकी मम्मा एक्सप्रेशन देती है एक्जैक्टली खुशी खुश होने पे इसने भी वही एक्सप्रेशन दिया है सो ही वॉज एक्चुअली ट्रेसिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन जो एंड क्लेयर जो कि उनकी वाइफ थी ऑल ऑफ सडन ही विस्पर द होल इन साइड ऑफ विज हाउस वॉज फुल ऑफ स्मेल रोजेज रोजेज सो बोला एकदम से पूरा विजार्ट का घर में रोजेज रोजेज की स्मेल हो गई रोजा फिश क्राइड एंड दिजार्ट से बोला कि एकदम से रोजेज रोजेज हो गए थे हर जगह पे और रोजा फिश एकदम से रो दिया इससे खुशी से एंड फिर उसके बाद में विजार्ट ने बोला कि इसके लिए तुम्हें सेवन कॉइन्स देने पड़ेंगे अभी जो वापस बोलती है डैडी

तो बोला कि ओके रॉजर्स कांग मैंने गलती से बोल दिया वो पीछे ही पड़ गई थी and he was like, okay, और वो रोने लग गया जो मेरा क्राइम फेज अगेन और जो भी क्राइम फेज बनाया उसने ऐसा वाला तो जो ने भी क्राइम फेज बनाया बट दिस टाइम विदाउटरिटी बट ये अभी इसमें बिल्कुल सिंसेरिटी नहीं था आ, वो ऐसे ही था जैसे होता है ना हम लोग कोई देखते हैं तो हमें किसी का मजाक उड़ाना होता है हमें ऐसे ही कुछ बोलना होता है तो वी आर लाइक ओ दैट वे तो एग्जैक्टली exactly वैसा ही था उसमें बिल्कुल सिंसेरिटी नहीं था जिसकी वजह से जैक को बड़ा गुस्सा आ रहा था डाउन स्टेयर फर्नीचर रामबर यहाँ पे वो सीरियसली नहीं ले रही थी स्टोरी को और यहाँ पे नीचे और फर्नीचर uh, के मूव होने की आवाज आ रही थी क्लियर शुडेंट मूव हैवी थिंग शी वॉज सिक्स मंथ प्रेगनेंट इट वुड बी देयर थर्ड सो दिज आर से वेरी वेल सो so, अभी यहाँ पे नीचे वो आवाज़ आई और फिर उनको लगा कि क्लेयर को ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सिक्स मंथस प्रेग्नेंट है और ये उनका थर्ड चाइल्ड होगा तो वो सारी चीज़ों को बुलाते हुए ही वॉज लाइक आई हैव टू गो बैक टू माई वाइफ और इसीलिए उन्होंने बोला सो द विजार्ड सैड बोला कि अरे फिर विजार्ड ने बोला गो टू द एंड ऑफ द लेन टर्न अराउंड थ्री टाइम्स लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड थ्री कॉइन्स ओके तो बोला वहां से सीधा सीधा जाओ तीन चक्कर काटो और जो वेल है उसमें नीचे देखो और नीचे देखोगे तो आपको तीन कॉइन्स मिल जाएंगे हरी ऑप सो रॉजर्स कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन टर्न अराउंड थ्री टाइम्स देयर इन द मैजिक वर द थ्री पेनीज सो ही टुक दम बैक टू दिजार एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रन आउट इन टू दर्ज एंड ऑलर लिटल एनिमल गैदर्ड अराउंडल सो गुड सो so, अभी यहाँ पे वो उसको पेनीज उसने दे दिए और उसके फाइनली बाद में वो इतना खुश हो गया वो ऐसे 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 करता करता भागा और सारे सारे एनिमल्स उसके आसपास आ गए दे प्ले टैग बेस बॉल फुटबॉल बास्केटबॉल लैकरो हॉकी सॉकर पिकअप स्टिक्स तो उन्होंने इतने सारे गेम्स खेले और वो लोग बहुत खुश थे वॉट्स पिकअप स्टिक्स ने पूछा पिकअप स्टिक्स क्या होता है इट्स गेम यू स्टिक बोला ये एक गेम होता है जो आप स्टिक के साथ खेलते हो लाइक गेट डार्क तो इतने में वो सारी चीजें एकदम से मतलब और ज्यादा डार्क वो होने लग गया एंड होम टू देयर मॉमीज तो बोला सब कुछ एकदम से डार्क हो गया और सारे बच्चे अपने अपने मम्मा के पास चले गए कोई इरादा नहीं है स्टोरी को एक्सटेंड करने का जैक इज वेरी मच दैट एक्चुअली मेड फ्यूरियस एंड लेट्सिंग टू फर्स्ट विद हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ विंडो ये था जो कि हुआ जो आराम से यू नो शी वॉज जस्ट प्लेइंगी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ द डे दैट श्योर अंडर दू ऐसे बाहर ऐसे होता ना अब पर्दे के बीच में से थोड़ी लाइट आ रही होती तो शी वॉज जस्ट लुकिंग एट दैट यू नो शी वॉज नॉट शी वॉज जस्ट प्लेइंग एंड लुकिंग लाइक दैट शी थॉट स्टोरी वॉज ऑल ओवर उन्हें लगा कि स्टोरी एकदम से खत्म हो गई थी जैक डिडेंट लाइक विमेन वेन्द इट टुक एनी थिंग फॉर ग्रांटेड जैक को औरतों की यही आदत पसंद नहीं थी कि वो किसी भी चीज़ को ग्रांटेड ले लेते थे ही लाइक दम अप्रोहेंसिव हैंगिंग ऑन इज वर्ज सो अभी उनको विमेन uh, थोड़े से अप्रोहेंसिव पसंद है एंड दैट्स वाई उसने कंटिन्यू किया ना जो आई यू लिस्निंग जो सुन रहे हो क्या uh, क्योंकि अभी उसको ये पॉइंट प्रूव करना था इट वॉज ऑन इज मेल ईगो के uh, कैसे उसने मुझे ग्रांटेड लिया तो उसको अपना पॉइंट रखना था तो बोला कि जो सुन रहे हो क्या hmm, सुन रही हूँ बिकॉज दिस वॉज वेरी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है रॉजस कंग्स ममी सेड वॉट दैट ऑफुल्ट एंड रॉजस कंग सेड इट्स मी ममी

और अभी वो एयर में एकदम से वो ऐसे हो गई उसको डर लगने लगा बट डैडी देन ही सेड अबाउट दी अदर दैट ही सेड अबाउट दी अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे हर हैंड अंडर ब्रश वो बहुत ज्यादा ऐसे हो गई थी बट पापा अगर वो चेंज हो जाएगा तो उसके साथ कोई नहीं खेलेगा जैसे वो बोल रहा था कि उसके सारे एनिमल्स तो इधर उधर से भाग जाते हैं ऑल राइट ही सैड बट मॉमी ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे

मैं तुम्हें लेके चल रही हूँ वापस से उस विजार्ड के पास में एंड या uh, yeah. और उसके बाद में टुक एन अम्ब्रेला एक अम्ब्रेला वो लेती है कंग के साथ में जाती है विजार्ड को हिट करती है, है, है पे सोर्स ऑफ ट्रूथ इंस्पिशन केम टू हर the हर ऑन the did नॉट चेंज that little कंग बैक नो ही सेड तो जैसे उसने बोला कि वो अम्ब्रेला लेके जाती है और विजार्ट को मारती है इतने में जो बोलती है नो डारी ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि विजार्ड ने फिर से आ, उसको हिट किया उसकी उसकी ममा को हिट किया हेड पे और बिल्कुल भी इस को चेंज नहीं किया इतने में जैक बोलता है नो दैट्स नॉट हैपनिंग द विजार्ट सेड ओके एंड रॉजिस कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनीमोर बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ विजार्ड ने ओके okay बोल दिया और वापस ही उसकी स्मेल वैसी हो गई ही स्मेल्ड वेरी बैड अगैन और एकदम से वैसी उसकी स्मेल हो गई बट अदर लिटिल एम एम ओ एम एम जॉन इट्स डैडी स्टोरी शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज ब्रॉड फेस लुक डेट हिम शू बोला एनिमल 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 का क्या होगा वो एनिमल्स उसके साथ नहीं खेलेंगे जो को बोला ये डैडी की स्टोरी है क्या डैडी आपको और स्टोरीज नहीं सुना है और एकदम से उसका बड़ा सा फेस एकदम से क्वाइट हो गया और बहुत ही ज्यादा एस्टॉन्ड हो गया उसको एकदम से सरप्राइज लगा This is what happened then. Roger skunk and his mommy went home. They heard woo-woo, woo-woo and it was the choo-choo, choo-choo of train bringing daddy skunk home from Boston. Then this happened and Roger skunk and his mom went home and they heard the train's sound Daddy's Gang daddy skunk home from Boston. Se ghar and they had lima beans, uh, celery, liver, mashed potatoes, pie or -oh for dessert. And when वेन रॉजेस was in bed, Mummy skunk came up, hugged him. She said he स्मेल like her little baby skunk again, and she loved him very much. and that's the end of the story. ये हुआ ये होने के बाद में आ, वो लोग आराम से आ, बैठे थे ट्रेन में एकदम अच्छे तरीके से जा रहे थे फिर वहाँ मतलब आ, ट्रेन से और उनके पापा आए एम सॉरी और पापा आए और पापा के साथ में फिर उन्होंने सारा वो सफर आराम से खाया enjoy किया अपने सफ़र को और उसके बाद में उन्होंने सपा करके और उसके बाद में वो सोने के लिए गया और जब वो सोने के लिए गया तो एकदम से एकदम से उसकी मामा आई उसको हक किया और बोला तुम एकदम बेबी जैसे मेरे बेबी जैसे जैसा मेरा बेबी को होना चाहिए ना एकदम मेरे बेबी जैसे स्मेल कर रहे हो ये उन्होंने बोला और फिर उसके बाद में स्टोरी खत्म हो गई बट डैडी वॉड जो छोटे एनिमल्स थे वो भाग गए थे नो बिकॉज इवेंचुअली गॉट यूज टू दी वॉज एंड नॉट माइंड बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था वो लोग भी काफी ज्यादा अडेप्ट हो गए थे कि वो कैसे स्मेल करता था और उसके बाद में उनको भी कुछ, कुछ खास उससे फर्क नहीं पड़ा वन शिला जी इन लिटिल वर्ल्ड वॉज अड मॉमी It was not, he said with rare emphasis, and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her and something as odd. तो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था. Now I want you to put uh, your big heavy head in the pillow and have a long uh, nap. बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. अब चुपचाप वहाँ पे पिलो में जाके सोजा और एक लंबी सी नींद लो. एडजस्ट दू नॉट इवन ऑफ डेड उन्होंने फटाफट से पर्दों को एडजस्ट किया बाहर जा रहे थे, थे आज वो सो गई थी बट वेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ कवर्स एन स्टेरिंग एट एम जब उन्होंने टर्न करके देखा तो वो वहां पे वैसे ही वैसे देख रही थी एकदम देख रही थी क्राउच करके ना Hey, get under the covers and fall fast asleep. Bobby's asleep. She stood up and bounced gingerly in springs. Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that the wizard took that magic wand and hit that mummy. Her pumped arms chopped his forcefully right over the head. No, that's not the story. The point is that the little skunk loved his mommy more than he loved all other little animals, and she knew what was right. डैडी no, mom, तो कल आप मुझे ये बोलोगेट किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि अपनी मामा ज्यादा पसंद थी ना कि दूसरे एनिमल्स वो ऐसा कभी नहीं होने देगा बोला नो no, डैडी आप ये बोलो प्लीज ये बोलो कि वो उसको हिट करेगा कल कल उसको उस मामा को मजा चखाएगा। तो वो वही वही चीज़ इंटरप्रेट करना चाहती थी बार बार वही 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 चीज़ बोल रही थी डू इट शी किड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन विद बेड विद ग्रेट हीव एंड कंप्लेन ऑफ स्प्रिंग्स एंड शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर एक्सेप्ट दिस टाइम शी डिड नॉट लाव अब वो एकदम से पुश -से कर रही थी एंड शी वॉज डूइंग ऑल वो बच्चे जो करते हैं एकदम गुस्सा हो जाता है वो डू इट डू इट डू इट से इट डैडी ओके सी सी बोला अभी हम देखेंगे जाओ बैठ के अब सो जाओ जाओ, जाओ जाके सो जाओ स्टे ऑन द बेड यहाँ पे सोना यू आर अ गुड गर्ल तुम अच्छी बच्चे हो ना क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टे उसने डोर बंद कर दिया नीचे गए वो क्लेयर हैड स्प्रेड न्यूज पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वेयरिंग एंड ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ओन टॉप ऑफ हर मटर्निटी स्मार्क वो स्ट्रोकिंग देयर रेल एंड डिप्ड ब्रश अभी वो नीचे जा रहे थे उन्होंने देखा क्लेयर एकदम ड्रेस्टअर्ब है पेंट के लिए रेडी है और वो ब्रश को डिप करके और पेंट कर रही है

और वो अपने पाप, अपनी वाइफ को काम करते हुए देख रहे थे तो ही वॉज फीलिंग वेरी इरिटेटेड द वुड वर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग्स बेस बोर्ड ऑल अराउंड हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हाउ वर्क विद टच और एनी थिंग एक्चुअली दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ बैड देयर रिलेशनशिप वॉज क्योंकि जब वो नीचे गए और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी उन्होंने जैसे ही देखा कि किस तरीके से सारी चीज़ें पड़ी थी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अगली मिडिल पोजीशन में है आ, कि वो बच्चों को संभालें ये करें और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी वाइफ भी सेम पोजीशन में फंस गई है उनके साथ में आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दैट मींस एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे बोथ लाइक शेयर बट दैट्स वट वट लाइक ही सेट दैट टाइम एंड ही थॉट दैट टाइम क्लियरली वॉज नॉट इंडिकेटिंग अ हैप्पी रिलेशनशिप वर्क नहीं करना चाहते थे उनके साथ और उनको टच नहीं करना चाहते थे कुछ नहीं करना चाहते थे सो या दैट सेट इसके बाद में क्या हुआ नो uh, you know, ये कोर है ऐसे ही इसको छोड़ दिया जाता है हमेशा ना तो दैट से एंड ऑफ दैप्टर चैप्टर हो गया हमारा खत्म Uh, एकदम आपको uh, मुझे लग रहा है किंडर गार्डन का फील आ रहा होगा आपको लग रहा होगा जैसे आप छोटे बच्चे हो और आपको मैंने एक नर्सरी रायम नर्सरी स्टोरी सुना दिया है सो या दैट्स प्री मच इट गाइज आई होप आपको ये अच्छा uh, से समझ में आया होगा या इफ़ यू आर टेकिंग डू दिस या सो इफ़ यू आर टेकिंग प्लस यू कैन डेफिनेटली यूज़ द कोड एच डी सी लाइव और एच डी सी एटीन टू गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस इज अमेजिंग हम लोग वहाँ पर कोर्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्प्लीट करेंगे एंड एज आई टोल आई एम कमिंग अप विद अ लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन हर तरीके के क्वेश्चन मैं प्रिपेयर कर रही हूँ सो दैट जब आप बोर्ड्स में जाओ लाइक आप जब पेपर लिखने जाओ तब तो आपको ये फील नहीं हो कि मुझे ये ये क्वेश्चन नहीं आता एंड एवरी क्वेश्चन जो आपको दिखे आपको ऐसा फील हो कि यार ये भी मैंने किया हुआ ये भी मैंने किया हुआ दैट मीन सो इफ यू वॉन्ट टू जॉइन मी यू कैन ज्वाइन मी बिकॉज आई एम लॉन्चिंग माई कोर्सेज फ्राम फर्स्ट ऑफ दिसंबर एंड यू वीन टू लव दोज कोर्सेज एंड इट विल लिटरली हेल्प यू स्टैंड इन बिटवीन नाइनटी टू हंड्रेड मार्क्स विच इज़ असल So, yeah, if you want to join me on Plus, please use the code SDC Live or SDC18. I would be forever grateful for you. Also, don't forget to like this video, subscribe to the channel, and I will see you guys later in the next video. Thank you so much for having me. I love you guys. Bye bye.